पास्टर जी शैतान का हटा दीजिए, मेरे में से हटा दीजिए, हटा दीजिए पास्टर जी, वचन को डाल दूंगा बीज, वो बीज उग करके शैतान का राज्य को नाश कर देगा, नाश कर देगा। छोटा से बीज, एक बड़ी घमंडी एक लेडी थी विदेशी में, प्रभु को विश्वास नहीं करती थी, बोलती थी ये सब झूठ है, क्रिस्ती देश की रानी है लेकिन बोलती है सब झूठ है, प्रचारक लोग झूठे हैं, ये लोग पैसे के लिए कर रहे हैं, भगवान वगवान कुछ नहीं होता। और उसने बोला मैं मर जाऊंगी तो भी मेरे कब्रिस्तान में ये लिख के रखना, ये कब्रिस्तान ऐसी बंदी रहेगी, कभी खुलेगी नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखे ना सब कब्रिस्तान पुनर्थान के दिन आएगा खुल जाएगा। उसने बोल दिया बाइबल सब झूठ है, कब्रिस्तान कभी खुलेगी नहीं। मालूम है परमेश्वर भी लोगों को मजाक उड़ाने वाले हैं, जो प्रभु के साथ मजाक उड़ाने लगेंगे उसको प्रभु क्या करेंगे, मजाक उड़े कुछ नहीं, इतना ताकतवर पत्थरों से बना हुआ सब बना हुआ, अचानक उसमें से एक पौधा होगा, क्या होगा समझ सकते, छोटा सा बीज कहीं अंदर पड़ा हुआ था कभी जमाने का, वो बड़ा पेड़ बन करके कब्रिस्तान दो टुकड़ा में अभी भी पड़ा है। तो देखो परमेश्वर के लिए बड़ा पत्थर को हटाने के लिए छोटा बीज भी काफी है। आपका जीवन का पत्थर राही के दाने जैसे विश्वास से हट जाएगा, अंधकार को मिटाने का ताकत यीशु मसीह के वचन पर है, उस विश्वास पर है। बोलते अंधकार मिटते जा रहा है, सच्चाई ज्योति प्रकट हो रहा है, तुम्हारे लिए भी मेरे लिए भी।